हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। देखिए आज फिर मैं निकला हूँ बाहर ब्लॉगिंग के लिए। सो चलिए मेरे साथ मेरे इस ब्लॉगिंग जर्नी पे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखिए फ्रेंड्स, मैं दूसरे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आया हूँ। ये दिखा रहा हूँ मेरे होम टाउन का एक दूसरा गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीयकृत कन्हा इंटर विद्यालय। यहाँ पे भी लोग, बहुत सारे लोग यहीं से इंटर भी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यह स्कूल हमारे होम टाउन में ही है, रेलवे स्टेशन के ठीक पास ही है। और जो लोग स्टेशन से दूर उतरते हैं वो लोग, ये देखिए एक स्टेशन के पास ही एक होटल भी खुला हुआ है, होटल विधाता पैलेस। सो यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है, आप लोग देखें फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ खास ज्वलंत मुद्दों के ऊपर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे सोशल मीडिया में स्पीक फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग कर रहा है। वैसे मैं तो एक बैंकिंग स्टूडेंट हूं, लेकिन जहां तक कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कि मतलब एसएससी और रेलवे वालों का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया जा रहा है, रिजल्ट में धांधली हो रही है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। वैसे मैंने भी एक इस बार एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया था। फॉर्म फिलअप किए हुए तो काफ़ी साल हो गए, एक साल डेढ़ साल तो हो चुके हैं फॉर्म फिलअप किए हुए, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया है अभी। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है फ्रेंड्स हम स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग इस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमें इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है। हमारे घर वालों का भी यही मकसद होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और जॉब लें, पर सरकार है कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही है। तो सरकार को हम चाहिए कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, जैसे वो लोग इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं उसी तरह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। ये कुछ खास मुश्किल है नहीं, कोरोना वायरस तो अभी आया है, लेकिन कोरोना वायरस से पहले ही एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया जा चुका है। सो उस हिसाब से तो एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत गहरी साजिश लग रही है मुझे। सो फ्रेंड्स, हमें इसी तरह सोशल मीडिया पे हैशटैग करते रहना होगा जब तक सरकार की आंखें या नींद ना खुलती है, या फिर और अथॉरिटीज़ इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तब तक हमें इसी तरह लगे रहना है अपने कैंपेन में, ताकि रिज़ल्ट को लेकर धांधली ना हो। वैसे बैंकिंग वालों का तो रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है और तुरंत एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवा लिए जाते हैं, लेकिन ये मुझे जो सुनने में आया है कि एसएससी और रेलवे वालों के साथ काफ़ी बुरा हो रहा है, काफ़ी अन्याय हो रहा है, तो उनका करियर भी इसी के ऊपर है। बहुत सारे लोग हर काम छोड़कर इसी में लगे रहते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं कि आज एग्ज़ाम देंगे, कल को उनका रिज़ल्ट आएगा, फिर उनके घर परिवार के लोग काफ़ी खुश होंगे। पर ऐसा होता नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी मुश्किल एंड फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम को कंडक्ट ना करवाना। आज टीचर्स डे भी है, तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे देखिए हमारे टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों को करियर बनाने के लिए, तो उनके लिए भी एक ये तो उनके लिए भी मेहनत पे एक पानी फेरने के जैसा होगा। वो लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत योगदान मिल सके। वैसे ही हमारे सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन तो टाइम पे कंडक्ट करवा लिए जाते हैं, इलेक्शन में बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, पर वही एग्ज़ाम जिसमें खुद स्टूडेंट का पैसा लग रहा है और उसी एग्ज़ाम को आप कंडक्ट नहीं करवा रहे हो, ये तो काफ़ी चिंता का विषय है। तो हमें इस ओर लगे रहना पड़ेगा, हमें अपने कैंपेन को जारी रखना होगा, ताकि सरकार की आंखें खुले और अथॉरिटीज़ इस ओर ध्यान दें कि स्टूडेंट का कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट है। वो मेहनत इसीलिए करता है कि अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश की सेवा कर सके, पर बदले में उसे क्या मिलता है? टाइम 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 और सिर्फ टाइम और सिर्फ पेशेंस। कितना आखिर कोई इंतज़ार करेगा? उसकी एज निकलती जा रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं, बहुत तरह की परेशानी की बात है। सो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स।
लोग देखिए यहीं पे कन्हाई इंटर स्कूल के पास बहुत सारे छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं घर को छोड़कर इधर शांत वातावरण में। सो आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं ये लोग अपनी तैयारी के लिए। सो हमें सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट फर्दर आई कैन अपलोड मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।